ओके चलिए अब वो कंडीशंस देखते हैं जिनको इंपोज करने से मेरा फंक्शन y इक्वल टू साइन x इंजेक्टिव बन पाएगा. ओके सो व्हाट वाज आवर फंक्शन, इट वाज y इक्वल्स टू साइन x. ठीक है, और किन कारण से फंक्शन नॉन इंजेक्टिव हो रहा था? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस फंक्शन की साइन x पीरियोडिक है. ठीक है, साइन x पीरियोडिक है इसलिए हर 2π इंटरवल्स के बाद y की वैल्यू रिपीट हो रही थी और इसीलिए हमारा फंक्शन क्या हो रहा था, मेनी इज टू वन. ओके यही कारण था. देखिए अगर मैं यहां पर देखूं, ठीक है, दिस इज अवर सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड दिस इज प्लस वन टू माइनस वन. ठीक है, यहां पे अगर मैं देखूं साइन ऑफ जीरो तो था जीरो, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू इट वॉज माइनस वन, साइन ऑफ प्लस फाइव बाई टू इट वॉज प्लस वन. ठीक है, इसके बीच में लेट अस से आई हैव अ वैल्यू माइनस पाई बाई थ्री, तो मैं जानती हूँ इसकी इसके करस्पॉन्डिंग यह वैल्यू आ जाती माइनस रूट थ्री बाय टू, और लेट अस से इसके बीच में यहाँ पे वैल्यू प्लस पाई बाय सिक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग यह वैल्यू हो जाती वन बाय टू. तो मैं एक बात देख पा रही हूँ कि पाई बाय टू से लेकर माइनस पाई बाय टू तक में तो हमारा फंक्शन क्या है, वन इज टू वन. ओके ओके, बट अब जब मैं इस इंटरवल के ऊपर जाती हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से फाइव पाई बाय सिक्स, सो व्हाट इज साइन फाइव पाई बाय सिक्स, इट इज पाई माइनस पाई बाय सिक्स विच इज वन बाय टू. सो द मोमेंट आई टेक वन वैल्यू यहाँ पर फिर से वन बाय टू हो जाएगा और इस कारण से फंक्शन मेनी इज टू वन हो रहा है. ओके डू यू गेटिंग दिस, क्यों ये फंक्शन नॉन इंजेक्टिव हो रहा है? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ साइन एक्स दैट इट इज पीरियोडिक. ओके व्हाट इज द नेचर ऑफ साइन एक्स, देखिए अगर मैं यहां साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, दिस इज माय फंक्शन साइन एक्स. तो अब एक बात समझिए, अगर मैं ये रेंज ले लूं यहां पर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ओके, अगर इसमें मैं एक कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में फंक्शन को तो सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब y की एक ही वैल्यू मिल रही है, बट अगर मैं पाई बाई टू से थोड़ा सा भी आगे गई या माइनस पाई बाई टू से थोड़ा सा भी लेफ्ट गई तो फिर वैल्यूज रिपीट होने लग जाती है, और यही कारण था कि हमारा फंक्शन मेनी इज टू वन बन रहा था. सो अगर मैं फंक्शन का डोमेन साइन एक्स का डोमेन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही रख दूं तो फिर तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव. ओके मैंने क्या चेंज किया, मैंने फंक्शन का डोमेन ही चेंज कर दिया. मैं समझ रही थी कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में तो वाई की वैल्यूज रिपीट नहीं होती, क्लियर है. देखिए अगर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में साइन एक्स बनाऊं तो ये ऐसा है, ठीक है. अब मुझे बताइए इसमें अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कट ड्रॉ करूं तो ये फंक्शन को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इंजेक्टिव है. दिस इज अ टेस्ट कि अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ हो तो हम उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक्स की करस्पॉन्डिंग एक्स की एक दो एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई की एक ही वैल्यू है, बट अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन उसे दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या हुआ, एक्स की दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वाई की एक ही वैल्यू है, ऐसा हो जाता है. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू में हमारा फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है. सो अगर मुझे इस फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स को इंजेक्टिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसकी डोमेन कर दूंगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ओके, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस वन से प्लस वन. ठीक है, तो अब मेरा फंक्शन क्या हो गया, नाउ माय फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड इवन सर्जेक्टिव. देखिए रेंज में सारी वैल्यूज कवर हो गई, कुछ भी नहीं बची, तो फंक्शन सर्जेक्टिव भी हो गया और वन इज टू वन है इसलिए फंक्शन इंजेक्टिव भी हो गया. तो अब हमने क्या किया, हमने हमारी डोमेन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक ही कर दी. ओके अब अगर मैं हमारा मैजिक फंक्शन निकालू इनवर्स ऑफ साइन एक्स विच इज जी ऑफ वाई, ओके,
So now if I have my magic function g and I know what is my function, it is sine inverse x. So if I have my magic function sine inverse x equals to y, okay, अब इसका डोमेन क्या है? अब इसका डोमेन हो जाएगा x की वैल्यूज क्या होने वाली है, माइनस वन से वन, बिकॉज x इज व्हाट, इट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अ एंगल. ओके, एक काम करती हूँ, अभी आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे इस तरीके से लिखती हूँ, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x. ओके, सो व्हाट इज y, इट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अ एंगल, और ये वैल्यू क्या होती है, माइनस वन से. और अब हमने इसका डोमेन क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हमने इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई. अब इस फंक्शन को प्लॉट करके देखते हैं. देखिए, अब अगर मैं इसे प्लॉट करूंगी, ये है मेरा y और ये है मेरा x. y इज वेरिंग फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन एंड x इज वेरिंग फ्रॉम पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू. नाउ व्हाट इज साइन इनवर्स जीरो, ऐसा एंगल जिसके साइन की वैल्यू जीरो हो वो कौन सा है, इस रेंज में तो एक ही है, जीरो. इसके बाद क्या हो सकता था, टू पाई या फिर माइनस टू पाई, बट वो हमारी रेंज में है ही नहीं. ओके, नाउ ऐसा एंगल जिसके साइन की वैल्यू 1 बाई टू हो, ऐसे एंगल जिनके साइन की वैल्यू 1 बाई टू हो, तो मैं कहूंगी ऐसे एंगल होंगे पाई बाय 6, फिर 5 पाई बाय 6, ठीक है, फिर 9 पाई बाय 6, सो ऑन, ठीक है, सॉरी इट वुड बी पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, देन 2 पाई प्लस पाई बाय 6 विच इज 13 पाई बाय 6, देन 3 पाई माइनस पाई बाय 6, ओके दैट इज 17 पाई बाय 6. सो बट हमारी रेंज में क्या आने वाला है, सिर्फ पाई बाय 6, क्योंकि यही माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में बिलोंग करता है. सो मैं सिर्फ लिखूंगी पाई बाय 6 और इसे यहाँ प्लॉट कर दूंगी. ओके, अब ऐसा फंक्शन, ऐसा एंगल जिसके साइन की वैल्यू 1 हो, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, बट हमारी रेंज में तो सिर्फ पाई बाई टू ही है. ओके, ऐसा फंक्शन जिसके साइन की वैल्यू है माइनस रूट थ्री बाय टू, ऐसे फंक्शन क्या होंगे, माइनस रूट थ्री बाय टू मतलब माइनस पाई बाई थ्री, टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है. तो ये साइन कहाँ नेगेटिव होता है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो माइनस पाई बाई थ्री, टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, देन पाई प्लस पाई बाई थ्री एंड सो ऑन, बट हमारी रेंज में क्या है, सिर्फ माइनस पाई बाई थ्री. सो माइनस पाई बाई थ्री एंड आई जस्ट करस्पॉन्ड दिस, ऐसा फंक्शन, ऐसा एंगल जिसके साइन की वैल्यू माइनस वन हो, सो मैं जानती हूँ ऐसे एंगल्स होंगे माइनस पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, देन सेवन पाई बाई टू एंड सो ऑन. बट व्हाट आई सी हियर इज कि मेरे लिए तो सिर्फ माइनस पाई बाई टू ही है. अब देखिए मेरा फंक्शन क्या हो गया, सर्जेक्टिव तो ये यहां भी था और यहां पे भी है, तो नाउ माय फंक्शन इज इंजेक्टिव. ओके, मेरा फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है, ट्रू माय फंक्शन इज इंजेक्टिव राइट नाउ, एंड इवन माय फंक्शन इज सर्जेक्टिव.